दोस्तों यह है मोटरोला G10 पावर का इंडियन रिटेल यूनिट। फ्लिपकार्ट से इसको मैंने परचेस किया हूँ। अभी तक दोस्तों इस बॉक्स को मैंने अनबॉक्स नहीं किया हूँ। जब डिलीवरी बॉय से इस बॉक्स को मैंने लिया था तब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डैमेज सील पैक था। चलिए दोस्तों सबसे पहले सील को ब्रेक करते हैं और बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हम लोगों के लिए क्या क्या रखा है। फ़ोन वगैरह होगा तो चलो बॉक्स ओपन करने के बाद क्या क्या मिलता है वो देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स मिलता है और यहाँ पे एक बिल है। तो चलो दोस्तों इसको अभी मैं साइड में रख देता हूँ और इसको दोस्तों बाहर निकालते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों मोटरोला का लोगो है, यहाँ पे लिखा है मोटो G10 पावर लिखा है। पीछे की तरफ देखोगे दोस्तों यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स मिल जाएगा। 6000 mAh का बैटरी, यहाँ पे डे ऑफ बैटरी लाइफ वगैरह लिखा है, 48 MP का क्वाड कैमरा। चलो दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं और बॉक्स ओपन करने के बाद एक फोन मिलता है तो इसको अभी मैं साइड में रख दूंगा और देखते हैं दोस्तों अंदर और क्या क्या रखा है। यहाँ पे दोस्तों कुछ यूजर मैनुअल गाइड वगैरह है जो कोई नहीं पढ़ता है। यहाँ पे सिम रिजेक्टर पिन दिया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चार्जिंग एडाप्टर है, नॉर्मल चार्जिंग एडाप्टर है। और देखते हैं दोस्तों यहाँ पे टाइप सी दिया है कि नहीं। तो चलो और दोस्तों यहाँ पे टाइप सी दिया है तो अच्छा काम किया है, मुझे ये काफी अच्छा लगा। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। इस फोन का जो डिजाइन है वो बिल्कुल यूनिक डिजाइन है। जो बैक पैनल है वो प्लेन नहीं है दोस्तों, ऊपर नीचे है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को ठीक से समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्तों जो बैक पैनल है वो प्लेन नहीं है, ऊपर नीचे है। और इसका जो कैमरा का पोजिशन है पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। और यहाँ पे बैक साइड की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर मोटरोला का ब्रांडिंग लिखा है। आउट ऑफ बॉक्स इस फोन के साथ बैक केस नहीं आता है। बाजार में बहुत सारे बैक केस मिलता है, वो खरीद कर लगा लेना, वरना दोस्तों बैक पैनल में क्रैचेस वगैरह आ जाएगा। पॉलीकार्बोनेट है तो जरूर बैक केस जरूर खरीदना। इस फोन का जो वेट है 220 ग्राम है दोस्तों, बहुत ज्यादा हेवी वेट है। जब इस फोन को कुछ टाइम तक आप यूज करोगे आपके हाथ दुखने लगेगा, तो थोड़ा हेवी फील देगा दोस्तों जब आप इस फोन को यूज करोगे। ओवरव्यू के पास देखोगे नीचे की तरफ दोस्तों माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर। राइट साइड की तरफ दोस्तों यहाँ पे पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन, गूगल असिस्टेंट का बटन। ऊपर की तरफ दोस्तों 3.5 mm जैक। लेफ्ट साइड की तरफ दोस्तों सिर्फ सिम ट्रे है और यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया है, डेडिकेटेड सिम स्लॉट नहीं दिया है, देना चाहिए था दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। परफॉर्मेंस के पास देखोगे इस फोन में स्नैपड्रैगन 460 चिपसेट मिलता है, ठीक ठाक चिपसेट है, मुझे उतना पसंद नहीं आया। इस फोन के ऊपर मैं अंतुतु बेंचमार्क को रन किया था, जो स्कोर आया है 1,38,000 के आसपास इसका अंतुतु स्कोर आया है। इस फोन के ऊपर मैं ऐप वगैरह ओपन किया था, बहुत सारे ऐप वगैरह ओपन किया था, तो दोस्तों जो ऐप ओपनिंग है वो मुझे ठीक ठाक लगा है। जल्दी जल्दी ऐप ओपन नहीं होता है, ऐप ओपन करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। हमारे पास है 4GB 64GB वेरियंट। इसका रैम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से टेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऐप को मैंने एक साथ ओपन किया था। उसके बाद दोस्तों रैम में जाकर स्टेप बाय स्टेप सारे ही ऐप को ओपन किया। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों 50% ऐप ओपन हुआ रैम में था, लेकिन दोस्तों 50% ऐप ऐसा है जो कि फिर से रिस्टार्ट कर रहा था, तो ये मुझे दोस्तों उतना अच्छा नहीं लगा। और जब मैं रैम मैनेजमेंट टेस्ट कर रहा था इतना ज्यादा लैग मुझे दिखाई दिया है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोग यहां पे देख सकते हो बहुत ज्यादा लैग दिखाई दिया है। खैर इस फोन के ऊपर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी और एस्पल्ट 9 को भी प्ले किया था। जब दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले कर रहा था ठीक ठाक चल रहा था, हाँ थोड़ा बहुत कहीं कहीं मुझे फ्रेम ड्रॉप या लैग वगैरह दिखाई दे रहा था, लेकिन ठीक ठाक चल रहा था। और कॉल ऑफ ड्यूटी आप यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग करके खेल पाओगे, तो ये ऑप्शन इस फोन में मिलता है। और जब मैं दोस्तों एस्पल्ट 9 खेल रहा था इतना ज्यादा लैग हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊं। अब लोग यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा लैग हो रहा है दोस्तों, लगभग 5 सेकंड के आसपास लैग मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये फोन दोस्तों अगर आप लोग गेमिंग के लिए ले रहे हो 10,000 के आसपास, थोड़ा पबजी, फौजी या कॉल ऑफ ड्यूटी या एस्पल्ट 9 कुछ भी हेवी गेम को आप इस फोन के ऊपर डालना चाहते हो तो आप डाल नहीं पाओगे, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। इस फोन में आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलता है, तो मोटोरोला यहाँ पे अच्छा काम किया है। इस फोन का जो सार वैल्यू है हेड के लिए दोस्तों 1.01 और
और बॉडी के लिए दोस्तों 1.43। डिस्प्ले के पास देखोगे 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD पैनल दोस्तों यहां पे देखने को मिलता है। नीचे जो चेन है साइड में जो बेजल्स है बहुत बड़ा बड़ा है और यहां पे वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। डिस्प्ले का लुक दोस्तों उतना अच्छा मुझे नहीं लगा और डिस्प्ले का जो क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक है, उतना ज्यादा खास नहीं है। जो कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो सैचुरेशन वगैरह वो ठीक से मेंटेन नहीं कर पाता है इस फोन में, मैंने नोटिस किया। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो इसका जो डिस्प्ले है वो मुझे दोस्तों एवरेज लगा है, टॉप नॉच नहीं है। और हाँ, आउट ऑफ बॉक्स दोस्तों यहाँ पे कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, तो बाजार में बहुत सारे ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाएगा, वो खरीद कर यहाँ पे लगा लेना ताकि दोस्तों आपका जो ग्लास है वो सही सलामत रहे, वरना दोस्तों क्रैचेस वगैरह आ जाएगा। कुछ देर तक मैं इस फोन को आउटडोर में यूज किया था, इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो मुझे ठीक ठाक लगा है दोस्तों। ब्राइटनेस में कोई भी तकलीफ नहीं होगा, काफी अच्छी तरीके से आप देख पाओगे कोई भी मैसेजेस वगैरह या कुछ भी आप देखोगे काफी अच्छी तरीके से देख पाओगे आउटडोर में। चलिए फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं दोस्तों। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है मुझे लगता है दोस्तों थोड़ा सा स्लो है। मैं टैप कर रहा हूं, स्लो मोशन में दोस्तों ओपन हो रहा है जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो। तो इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। 6000 mAh का काफी पावरफुल बैटरी देखने को मिलता है, तो अगर आप इसको 100% चार्ज कर लोगे मुझे लगता है दोस्तों डेढ़ दिन से दो दिन तक आराम से जाएगा। और इस फोन में आउट ऑफ बॉक्स 20 वाट का चार्जर भी दिया है, तो दोस्तों मैं कहूंगा दोस्तों लगभग 3 घंटा तो चला जाएगा फुल चार्ज करने के लिए। बहुत जल्द हमारे चैनल में इस फोन के साथ बहुत सारे फोन का बैटरी चार्जिंग स्पीड टेस्ट आ रहा है, तो उसके लिए जरूर इंतजार करना, बहुत मजा आएगा। कैमरा के पास देखोगे बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अगर 2021 में मुझे बोला जाए कि कौन सा फोन का कैमरा सबसे बेकार है 10,000 में, तो मैं इस फोन का नाम लूंगा। इतना ज्यादा बेकार पिक्चर क्वालिटी है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोग यहां पे देख सकते हो यार, जो डिटेलिंग वगैरह वो बिल्कुल नहीं है। जो सेल्फी कैमरा है यार इतना घटिया है, कैसे बताऊं दोस्तों। पर्सनली दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगा इसका कैमरा का क्वालिटी। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे इसका कैमरा क्वालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, डिटेल रिव्यू में मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है, तो उसके लिए जरूर इंतजार करना। पर्सनली मुझे इसका कैमरा क्वालिटी उतना खास नहीं लगा। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये फोन आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। मुझे लगता है ऐसा कि 10,000 में कौन सी चीज के बारे में सोच के मोटोरोला ये फोन लॉन्च किया मुझे पता नहीं, तो साफ साफ दोस्तों मैं मना कर दूंगा। बस मैं ये फोन खरीद चुका हूं क्योंकि आप लोगों को रिव्यू पहुंचाना था, इसीलिए दोस्तों ये फोन मैं खरीद चुका हूं और आप लोगों को तक रिव्यू पहुंचा रहा हूं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को कह रहा हूं कुछ देर तक यूज कर रहा हूं, शुरू में ही दोस्तों इतना ज्यादा लैग हो रहा है तो आप 1-2 साल कैसे यूज करोगे, समझ रहे हो, कैसे यूज करोगे, यूज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों इस फोन को मैं मना कर दूंगा क्योंकि इस प्राइस में बहुत सारे अच्छा अच्छा फोन है। पोको M3 है, अभी तो Redmi Note 10 आ चुका है, अगर आप 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा दोगे तो बहुत तगड़ा वाला स्मार्टफोन मिल जाएगा। नार्जो 30 ये है Realme का, बहुत सारे अच्छा अच्छा फोन है, Redmi 9 Power है, बहुत सारे भर भर के है, तो सारे स्मार्टफोन के पास देख सकते हो। अगर ऑनेस्ट ओपिनियन के बारे में बात करा जाए तो दोस्तों इस फोन को मैं मना कर दूंगा। और आप लोगों को पता होगा बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर दोस्तों इस फोन को रिक्वायरमेंट किया, क्यों, उन लोगों के अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा गया, तो क्लियरली बता दिया हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।